हेलो फ्रेंड्स, दुर्गाशाला में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक नई जर्सी बनाकर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैंने सांता क्लॉज की ड्रेस में बनाई है और इसमें मैंने ये दो कलर यूज किए हैं। दो कलर की मैंने नीचे जर्सी बनाई है और एक दो कलर मैंने ये बेल्ट में यूज किए हैं। बेल्ट वाला मैंने ये बनाया है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने बैक पीस से 80 फंदे इसमें मैंने ये डाले हैं। मैंने ये थोड़ा लॉन्ग में बनाया है क्योंकि ये ड्रेस थोड़ी लॉन्ग ही होती है, इसलिए मैंने ये लॉन्ग बनाया है। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहे तो जैसे मैंने इसमें 80 फंदों का बनाया है, आप इसमें 70 फंदे 75 फंदे तक भी डाल सकते हैं और लंबाई आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसमें बना सकते हैं। इसकी लंबाई फ्रेंड्स मैंने बनाई है, देखिए इसकी लंबाई मैंने बनाई है 20 इंच, मेरी इसकी लंबाई बनी है और इसकी चौड़ाई मेरी बनी है 13 इंच, मैंने इसकी चौड़ाई बनाई है। और हमारी ये जर्सी बनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसकी ये बाजू बनाई है, इसकी बाजू की लंबाई मैंने बनाई है टोटल इसमें मेरी 17 17.5 इंच के करीब मेरी इसकी ये बाजू बनी है। और जो मैंने इसमें ये बेल्ट बनाई है, बेल्ट फ्रेंड्स मैंने ये खुलने वाली बनाई है। इसको देखिए, हम यहाँ से बेल्ट को ऐसे खोल सकते हैं और इसके अंदर से बाहर निकाल कर इस तरीके से हम इस बेल्ट को दोबारा से लगा सकते हैं। इसको हम फिर इसके अंदर से ऐसे डालते हुए, देखिए पहले हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर आगे वाले के अंदर से निकालते हुए इसको हम बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। खुली भीड़ी, जैसे हमने थोड़ी भीड़ी करनी है तो हम इसको आगे की साइड इसको लगा देंगे तो हमारी ये बच्चे को सही आएगी। मैंने इस तरीके से ये बेल्ट बनाई है। ये देखिए फ्रेंड, जो बेल्ट है मैंने ये अलग से बनाई है, इसके साथ मैंने ये बेल्ट अटैच नहीं की है। देखिए इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं बेल्ट को, और अलग करके हम इसको और किसी ड्रेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप इसको, मैंने ये ब्लैक कलर में बनाई है, आप इसको और किसी कलर में भी बना सकते हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो जर्सी बनाई है इसमें मैंने ये 4 बटन लगाए हैं। और जो मैंने बॉर्डर बनाया है, ये मैंने सीधा सीधा बॉर्डर बनाया है, दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए मैंने, देखिए फ्रेंड्स जो मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर मैंने थोड़ा चौड़ा ही बनाया है ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और जो मैंने इसकी मोड़े की घटाई की है, मोड़े की घटाई में मैंने ये एक एक फंदा, हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा मैंने ये घटाया है। 5 पीस मैंने इसके ये बनाए हैं, 2 पीस फ्रंट के, 2 बाजू और 1 बैक पीस, 5 पीस बना के मैंने अपना ये स्वेटर बनाया है। जैसे फ्रेंड्स मैंने इसमें बेल्ट लगाई है, आप इसको बिना बेल्ट का भी बना सकते हो। बिना बेल्ट का देखिए ये ऐसा दिखाई देता है, और बेल्ट के साथ हम अगर हम इसको लगाएंगे तो बेल्ट के साथ हमारा देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट लगाने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट पहले हम देखिए फ्रेंड, जो बनाएंगे हम इसका ये बैक पीस बनाएंगे। बैक पीस में हमने ये नीचे से 80 फंदे डाले हैं बॉर्डर में। 80 फंदे डालने के बाद हमने इसका बॉर्डर बनाया है, फिर हमने इसका ये प्लेन पीस बनाया कटाई तक, उसके बाद हमने इसमें ये कटाई की है। तो आइए हम इसका बैक पीस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फंदे डाल लिए हैं, 80 फंदे मैंने ये इसमें डाले हैं। और हम पहले ये अपना बैक पीस बनाएंगे। बैक पीस बनाने के लिए मैंने इसमें ये 80 फंदे डाले हैं। ये फंदे डालने के बाद अब हम इसमें फ्रेंड्स अपना नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम सीधी तरफ से भी ऐसे ही और उल्टी तरफ से भी ऐसे ही, देखिए इस तरीके से हम अपनी ये पहली सिलाई है हमारी, ये पहली सिलाई हम अपनी पूरी सीधी सीधी बना लेंगे। इस तरीके से बनाते हुए ये सिलाई हम निकाल लेते हैं। ये सिलाई हमने पूरी अपनी सीधी सीधी बना ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं, और उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम अपनी ऐसे सीधे वाली ही बनाएंगे। जैसे हमने पहली सिलाई निकाली है उसी तरीके से ये सिलाई भी सीधी सीधी बना देंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड से सीधी सीधी बनाते हुए फ्रेंड्स अपनी ये 8 रो बनाएंगे, यानी कि हम 16 सिलाइयाँ 16 सिलाइयाँ दोनों साइड से सीधी सीधी निकालेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हम अपनी ये 16 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं, जिससे हमारी इधर ये 8 रो बन जाएंगी। एक रो देखिए हमारी ये सिलाई निकालने के बाद बन जाएगी। इसी तरीके से हम 8 रो यहाँ पर अपनी ये बनाएंगे, सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई बनाते हुए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बॉर्डर बन गया है। इसमें मैंने 16 सिलाइयाँ सीधी सीधी निकाली हैं, तो हमारी ये 8 रो बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। 8 रो बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेड कलर लिया है। रेड कलर को हम यहाँ पर जो हमारा धागा है इससे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ऐसे ज्वाइन करने के बाद हम इसको ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे और फिर हम अपने रेड कलर से पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे सीधी सीधी, और जो हमारा ये वाइट कलर का धागा है इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। देखिए हमने वाइट धागा काट दिया है, अब हम रेड कलर से ही ऊपर बनाएंगे। तो ये सिलाई हम पूरी अपनी इस तरीके से बनाते हुए सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये सिलाई पूरी हमने सीधी सीधी बना ली है, अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टे वाली बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आगे वाली पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल लेते हैं। ये सिलाई पूरी मैंने उल्टी बना ली है, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से देखिए पूरी सिलाई अब हम यहाँ पर अपनी सीधी सीधी बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम सीधा उल्टा बनाते हुए एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी ऐसे बनाते हम अपनी इसकी बैक पीस की लंबाई बनाएंगे जितनी हमें लंबाई चाहिए। पहली सिलाई हम सीधी निकालेंगे, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, ऐसे ही हम इसको बनाएंगे और अपने पीस की लंबाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बैक पीस की लंबाई बनकर तैयार है। इसमें मैंने यहाँ रेड से लेकर रेड तक इसमें 94 सिलाइयाँ मैंने इसमें निकाली हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बनाते हुए। तो हमारी इसकी ये लंबाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें आगे अपने मोटे की घटाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें मोड़े की कटाई करेंगे। मोड़े की कटाई के लिए सबसे पहले हम इसमें स्टार्टिंग में अपना एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एक फंदा दो फंदे लेंगे इस तरीके से और दो फंदों का एक कर देंगे, फिर बीच के फंदे सारे हम अपने सीधे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें सारे सिलाई अपने सीधी निकाल लेंगे, लास्ट के तीन फंदे हम इसमें छोड़कर बाकी के फंदे अपने सीधे बना लेते हैं। पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बना ली है, अब हम इसकी लास्ट में आ गए हैं। तीन फंदे देखिए मेरी सिलाई में बचे हैं, यहाँ पर भी हम दो फंदों का एक करेंगे, दो फंदे लेंगे हम। देखिए इस तरीके से दो फंदे लिए, दो फंदों का एक कर देंगे, लास्ट का फंदा सीधा ही बनाएंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम अपनी ऐसे उल्टे वाली ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करते हुए हम अपनी ये बना लेते हैं। पूरी सिलाई हमने अपनी उल्टी बना ली है, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से फिर हम फ्रेंड्स वैसे ही अपना एक फंदा पहले हम अपना ये सीधा बनाएंगे, पहले वाला फंदा, और उसके बाद आके हम अपने दो फंदों की फिर यहाँ पर घटाई करेंगे। दो फंदों की घटाई करने के बाद पूरी सिलाई आके हम अपनी सीधी निकालेंगे। पूरी सिलाई हमने सीधी बना ली है, लास्ट में मेरे तीन फंदे हैं, यहाँ पर फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, दो फंदे लिए, दो फंदों का एक किया, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम अपनी ये उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड, जब भी सीधी सिलाई आएगी, सीधी सिलाई में हम दो फंदों का यहाँ पर एक करेंगे और दो फंदों का लास्ट में एक करेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। इसी तरीके से बनाते हैं हम अपनी ये मोटे की लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बैक पीस की लंबाई हमने मोटे की पूरी कर ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने इसमें ये लंबाई की है। इसमें फ्रेंड्स मैंने 48 सिलाइयाँ निकाली हैं, दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी 24 सिलाई इसमें निकली हैं और 48 फंदे हमारे इसमें घटे हैं। 24 फंदे इधर से घट गए और 24 फंदे मेरे इधर से घट गए, तो नीचे मेरे 80 फंदे थे। 80 फंदों में से 48 फंदे घटाने के बाद ऊपर मेरे यहाँ पर 32 फंदे इसमें बचे हैं, जिससे मेरी ये बैक पीस बनकर बिल्कुल तैयार।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पीस जो बनाया है इसमें मैंने नीचे से 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद हमने 16 सिलाइयां इसमें बॉर्डर की निकाल लिया दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए। उसके बाद मैंने इसकी लेंथ बनाई है, 94 सिलाइयां मैंने इसकी लेंथ में निकाली है। और लेंथ बनाने के बाद फिर मैंने इसके मोटे की कटाई की है, मोटे की कटाई में मैंने 48 सिलाइयाँ निकाली हैं। दोनों तरफ से 24 24 फंदे मेरे इसमें घटे हैं, 48 फंदे 48 फंदे इसमें मेरे घट गए हैं, ऊपर यहाँ पर मेरे 32 फंदे अब इसमें बचे हैं। तो मेरी ये बैक पीस की लंबाई बनकर बिल्कुल तैयार है, तो मेरा ये बैक पीस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे अगला पार्ट फ्रंट साइड जो बनाएंगे वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे।